महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की हल्ला बोल रैली पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने तीखा कटाक्ष किया है। फरीदाबाद पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस को सबसे पहले अपनी पार्टी का हल्ला मिटाना चाहिए, उसके बाद जनता के बीच जाने की सोचना चाहिए। इतना ही नहीं, दुष्यंत चौटाला ने इस मौके पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ तंज कसा। उन्होंने कहा कि भारत को लूटने वाले आज भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, इनकी सच्चाई जनता पहचान चुकी है। कांग्रेस की हल्ला बोल रैली को लेकर क्या कहना है सर? कह रही है महंगाई बहुत बढ़ गई है और पार्टी का तो हल्ला मिटा ले जनता के बीच में जाने से पहले, जिस तरह गुलाम नबी साहब ने रिजाइन किया, मुझे लगता है कांग्रेस में तो अंदरूनी हल्ला ज्यादा है और जनता के आगे सिर्फ बोल बोल कर अपना हल्ला छुपा। वो कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो रैली कर रहे हैं, भारत को चलिए करिए, पहले पार्टी तो जोड़नी थी, दिनका दिनका करके सारी कांग्रेस की खींच और आज वो भारत जोड़ने की बात करते हैं जिन्हें भारत को लूटने का और तोड़ने का। बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने आज महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हल्ला बोल रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहां महंगाई के खिलाफ केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा, वहीं दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस की अंदरूनी कला को लेकर कांग्रेस को ही आईना दिखा दिया। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।